हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने की योग्य, तारीफ करने की योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने की योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन नहीं जो एक दिन का है, दो दिन का है, तीन दिन का है, हजार साल का है। ऐसा जीवन परमेश्वर ने दिया है, अजर मिराज का, जिसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन, जो कभी नाश नहीं होता है, जो परमेश्वर ने अपने खोजियों को दिया है, अपने प्रेम करने वालों को दिया है। ऐसा जीवन हमारा परमेश्वर देता है। हे कपटियों, अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों करना देगा वो अनंत काल का जीवन? यीशु मसीह ने कहा है, मुझको परख कर देख मैं कैसा भला यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, यदि आप किसी बात लेकर टूट चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आज आपको परमेश्वर इन समस्याओं से, मुसीबतों से आजाद कर देगा हमारा परमेश्वर। आपको किसी मनुष्य से नहीं बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है जो अल्फा ओमेगा है, जो पिछला पहला है, जो आद्य और अंत है। उस परमेश्वर से बताना है जो महान है, जो दयालु है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या आवश्यकताएं हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं क्यों ना पूरी करूंगा। देख देख, मैंने तेरे रोगों को, तेरे बीमारियों को, तेरे दुखों को निश्चय मैंने अपनी देह पर उठा लिया। तू क्यों चिंता करता है? क्या मैं तेरे मांगने से पहले तुझे नहीं दूंगा? मेरे प्रियजन, परमेश्वर देगा। यीशु मसीह ने कहा है, देख देख, मैंने तेरे दुखों को, तेरे रोगों को, तेरी बीमारियों को, तेरे दुखों को, तेरे पापों को निश्चय मैंने अपनी देह पर पहले से उठा लिया और कलवरी क्रूस पे चढ़ गया मैं। मेरे प्रियजन, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा। आज परमेश्वर से पुकारना है, आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएगी, आज हमारा परमेश्वर आपको बदल कर रख देगा। हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ बुलाना है, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आपके दुखों को, आपकी समस्याओं को, आपकी गरीबी को, आपकी मुसीबतों को हमारा परमेश्वर दूर कर देगा। वो दूर करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मुझको पुकार कर देख मैं कैसा भला यहोवा परमेश्वर हूँ। तुझे मैं दुखों से छुड़ाऊंगा, बीमारियों से छुड़ाऊंगा। यदि आपका रास्ता बंद हो चुका है, यदि हम निराश हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, पत्थरों में, मूर्तियों में, लकड़ियों में, आसमानों में, पानी में, जल में परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर वहाँ नहीं है। परमेश्वर तो हमारे बीच में है, परमेश्वर तो हमारे अंदर है। परमेश्वर को पुकारना है। आप सच्चे परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को, आपकी मुसीबतों को, आपके कर्जों को, आपकी गरीबियों को, आपकी बीमारियों को हमारा परमेश्वर खत्म करेगा, एक नया जीवन देगा, इन मुसीबतों से छुड़ाएगा, इन समस्याओं से छुड़ाएगा। वो हाथ पकड़ कर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा हाथ पकड़ के क्यों ना चलाऊंगा? मेरे प्रियजन, जो हम सभी से गुना हुए हैं, अपराध हुए हैं, गलतियाँ हुए हैं, पाप हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, उस परमेश्वर से बताना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर ही के पास, यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि वही हम सभी के पापों को क्षमा कर सकता है, गुनाहों को ढाप
सकता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा किया जाएगा, उसे नया जीवन दिया जाएगा, अमर जीवन दिया जाएगा, जो अनंत काल का जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर देगा। यीशु मसीह से बोलना है। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। मेरे प्रियजन, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करता है हमारा परमेश्वर, असंभव को संभव करता है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, याद रखना इस बात को, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। यीशु पापा, आप महान है, आप दयालु है। मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र पाकरो। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे परमेश्वर जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे परमेश्वर, आपने कहा, मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना, देख तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना लिया है, लिख लिया है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। मेरे परमेश्वर, यीशु पापा, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, तारीफ करते, जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, जय जयकार करते मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे मेरे परमेश्वर। वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। पिता, आपने साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। पिता, वहाँ का धुआं युगान निरंतर उठता रहता है, उस आग के में, आग में पड़े हुए कीड़े भी नहीं मरते हैं मेरे परमेश्वर। जो आपने हमें नया जीवन दिया, अमर जीवन दिया, हम सभी को बचा लिया, अंधकार से बचा लिया परमेश्वर, खुद स्वयं आप ज्योति हैं जगत की परमेश्वर, वो प्रकट हो गए प्रभु। इसके लिए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मसीह भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे बेड पे पड़े रो रहे, बिलक रहे, चिल्ला रहे, मेरे परमेश्वर अपनी खाट, अपने आंसू से भिगोते, कैंसर, गठिया, रसौलिया, पथरियाँ, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, जकड़े हैं मेरे परमेश्वर, तमाम पैसा लगा चुके फिर भी नहीं आजाद हो रहे, नहीं चंगे रहे पा रहे मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाएं, गिल्टियां, रसौलियां, पथरियां जाएं, यीशु मसीह के नाम से हर एक कैंसर जाएं, यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, आपका स्वर्गीय दाहिना हाथ टच करने पाए, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा के छू लीजिए, उस चंगा वाला हाथ, दे वाला हाथ मेरे परमेश्वर छू लीजिए मेरे स्वामी, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उन घर में पिता, जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, कराधरा के बंधने, जादू टोना के बंधने, गंदी दुष्ट आत्माएं, बदुरी आत्माएं हर मनुष्यों के अंदर आए, घरों में काम करती हैं, लड़ाई झगड़े के रूप में, बीमारियों के रूप में डालते हैं, काम करती हैं मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं आजाद हो जाएं। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। और एक दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं भाग जाएं इनके जीवन से, छोड़ दें इनके जीवन को, छोड़ दें इनका शरीर, छोड़ दें इनका घर, चली जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस पापा, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, हर बीमारियां जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए पिता, जिन भाई बहन पिता जिनका शादी का रिश्ता नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर, जो बंद मार्ग पड़े हैं फिर खुल जाएंगे, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, वे बंधन टूट जाए और रस्सियां कट जाए मेरे परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जिन भाई बहनों का शादी का रिश्ता नहीं था मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर का शादी का रिश्ता आ जाए मेरे परमेश्वर, ताकि ताक झाक में ना लगा रहने पाए, पाप गलती गुनाह में ना जाने पाए मेरे परमेश्वर, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, उस स्वर्ग से आशीष रिलीज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। एक पिता शादी का रिश्ता इन सभी के लिए आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए मेरे परमेश्वर,
जिन बहनों को संतानी नहीं होती, बच्चे नहीं थे, मेरे परमेश्वर तमाम इलाज करा चुके, मेरे परमेश्वर वे टूट चुकी हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, सोचते हैं शायद मुझे बच्चा नहीं होगा मेरे परमेश्वर, परंतु आपने जिस प्रकार से सारा को बच्चे दिए थे 90 वर्ष की आयु में, मेरे परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर जो बहने इस प्रार्थना को सुन रही है मेरे परमेश्वर, बंद कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए पिता, शैतान की शैतानी बंधन टूट जाए, टूट जाए मेरे परमेश्वर, से बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए, आशीष ट्रांसफर कर देते यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे परमेश्वर गवाही बना मेरे परमेश्वर, गवाही के ऊपर गवाही आने पाए के जीवन में मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जो मसीह में रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता, गंदे सपने आते हैं, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, मेरे परमेश्वर यीशु पापा मुझे विश्वास है पिता अपने प्राण को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु नासिर के मीठे और पावन नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।